बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फिज़िक्स की बुक है और हमारा चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये सेकंड पार्ट है सेल्फ असेसमेंट का। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 74 से। यहाँ पर भाई 6 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? द पावर ऑफ द लेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, व्हाट डज़ इट मीन? थर्ड है, व्हाई द फिल्म इन द प्रोजेक्टर नीड्स टू बी प्लेस अप साइड डाउन? फोर है, द कनकेव लेंस इज आल्सो कंसिडर टू बी द डाइवर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन वाई? फाइव है, कन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस इन विच कंडीशन? और सिक्स है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ 17 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, रियल इमेज आर इन्वर्टेड, अ रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। थर्ड है, रियल इमेज आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन। फोर है, रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। और फाइव है, रियल इमेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। उसके बाद वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट। फिर है, वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर्स। वर्चुअल इमेज अपेयर्स टू बी ऑन द लेंस और द मिरर इटसेल्फ। फोर है, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। फाइव है, वर्चुअल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द इमेजनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, पावर ऑफ अ लेंस रिप्रेजेंट्स इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट। स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लार्जर इज इट्स बेंडिंग पावर। दैट इज़ वाई पावर इज एक्सप्रेस्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। थर्ड का आंसर है, प्रोजेक्टर्स आर डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ सीलिंग अपसाइड डाउन। दिस अलाउज द प्रोजेक्टर टू प्रोजेक्ट स्लाइटली डाउनवर्ड फॉर कम्फर्टेबल व्यूइंग। फोर आंसर है, वेन द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस डाइवर्ज, एंड वेन वी प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड दे अपेयर्स टू मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। सिंस लेंस डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। फाइव का आंसर है भाई, व्हेन द कन्वेक्स लेंस इज हेल्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, इट वुड बिहेव एज अ कनकेव लेंस। सिक्स न्यूमेरिकल है भाई, हमें इसमें इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, वो आपको पता है क्यू होता है, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पी, और फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर है, और लेंस चूँकि कन्वेक्स है तो इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो वही फार्मूला है, 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/20 जो है वो जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका एलसीएम 17 और 20 का 340 आएगा, और ऊपर 20 और माइनस 17 आएगा तो 3/340। फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो 340/3 आ जाएगा, हम उसको डिवाइड करेंगे तो 113.33, ये हमारा आंसर हो गया। पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन है, दो, डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर, और सेकंड है, डिफाइन द टर्म मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले का आंसर है, इट इज़ डिफाइन एज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म स्पेरेबल इमेजेस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट्स और टू सेपरेट क्लोज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। सेकेंड का आंसर है, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिखते हैं, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज यानी एच आई, और डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ। नेक्स्ट असेसमेंट है भाई पेज नंबर 77 पे, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, एक्सप्लेन द नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन। सेकेंड है, गिव द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। थर्ड है, हाउ डज मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप रिलेट टू द फोकल लेंथ। फोर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट का आंसर है भाई, द नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर। सेकेंड है, एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्रिएट्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन विद एन ऑब्जेक्टिव लेंस and magnifies the image further more with an eyepiece to allow the user to observe it by the naked eye. Third ka answer hai, the formula for calculating the magnifying power of a simple microscope is m is equal to 1 plus d/f, where d is the least distance of distinct vision and f is the focal length of the convex lens.
द शॉर्टर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस द हायर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 4 में भाई डिफरेंस देना है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपकी बुक में गिवन है, मैंने लिख दिया है। सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेज अ कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर टू द लेंस देन द फोकल लेंथ टू प्रोड्यूस एन अपराइट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन अपराइट माइक्रोस्कोप दैट यूजेज टू सेट ऑफ लेंसेज अ कंपाउंड लेंस सिस्टम टू ऑब्टेन हायर मैग्नीफिकेशन देन अ स्टीरियो माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्ट लेंस हैज अ शॉर्टर फोकल लेंथ देन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस, इट इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो असेसमेंट है पेज नंबर 78 पर है, और इसमें हमारे क्वेश्चन दो हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप, और सेकंड है हाउ आर टेलीस्कोप्स हेल्पफुल टू अस टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। तो फर्स्ट का आंसर है भाई डिफरेंस बताना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज एन अपराइट माइक्रोस्कोप दैट यूजेस टू सेट ऑफ लेंसेज, ये हम पिछले आंसर में कर चुके हैं। सेम वही आपने जो डिफरेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो इसमें लिख देना है। फिर नेक्स्ट टेलीस्कोप है, द टेलीस्कोप इज आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस टू कन्वेक्स लेंसेज द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ लार्जर फोकल लेंथ देन द आई पीस, इट इज़ यूज टू फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड का आंसर है भाई टेलीस्कोप्स हैव एक्सटेंडेड अवर साइट टू द यूनिवर्स, अर्लियर टेलीस्कोप्स रिवील्ड दैट अर्थ वॉज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दे ऑल्सो शोड माउंटेन्स एंड क्रेटर्स ऑन द मून, लेटर टेलीस्कोप्स हैव रिवील्ड ज्योग्राफी एंड वेदर ऑन द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम एंड न्यू प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। मॉडर्न टेलीस्कोप प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज ईच कंटेनिंग बिलियन ऑफ स्टार्स, टेलीस्कोप्स आर नाउ डिस्कवरिंग प्लैनेट्स अराउंड द स्टार एंड पॉसिबल लाइफ अवर देयर इन द फ्यूचर, टेलीस्कोप विल आंसर अस आर वी लिविंग बींग अलोन इन द यूनिवर्स। फिर भाई नेक्स्ट जो है सेल्फ असेसमेंट लास्ट है पेज नंबर 79 पे, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है वाई नियर साइटनेस मायोपिया मेक्स फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरी, सेकेंड है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ लॉन्ग साइट। फर्स्ट का आंसर है ना शॉर्ट साइट आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, द डिफेक्ट कैन बी नोटिस्ड व्हेन द लेंस इज नॉट थिन अनफ टू लुक एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, सो द रेज आर बेंट इनवर्ड टू मच एंड कन्वर्ज बिफोर दे रीच द रेटिना। सेकेंड का भाई आंसर है By placing a convex lens or contact of suitable power in front of the eye, a convex lens of a suitable power provides the additional focusing power required for forming the image on the retina. तो भाई ये आपके जो पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर थे, आई होप कि अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।